है अभी हम नमक मिक्स करने वाले हैं, और नमक कितना मिक्स करना है तो जब भी आप लगभग 5 बैग फीड बनाए यानी कि 2.5 क्विंटल सोनाली का ब्रांड का हमने सोया दिया। इसमें बहुत मेडिसिन है जो इसमें 33 किस्म का रखा है इसी का। देखिए तो इसी का प्री स्टार्ट हमने चला रखा है सारे में। और तो ये जो है 30 दिन का बच्चा है और ये साइज 1 किलो 700 का है। तो आज हम जानेंगे फीड कैसे बनाना है और फीड बनाने के बाद हमें किस तरह बर्ड तैयार होगा। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बर्ड उसी फीड का खिलाया हुआ तैयार किया हुआ बर्ड है, और इसमें जो है वजन 1 किलो 700 का एवरेजन है 30 दिन में। और ये FCR 1.5 का FCR है, और ये आपको फीड कैसे बनाना है ये चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानने वाले हैं पोल्ट्री फीड यानी कि मेस फीड के बारे में। मेस फीड हम कैसे बना सकते हैं, मेस फीड बनाने के लिए कौन सा सामग्री चाहिए और क्या क्या उसमें मिक्स करना पड़ता है, और कैसे हम मिक्स कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से जो कि आपको कोई मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है, कम लागत में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला सुविधा हम आज बताने वाले हैं। ताकि हम एवरेज आया है 1.5 का FCR है यानी कि 2 किलो वर्ड 3 किलो खा के तैयार होगा। यानी सिंपल लॉजिक जो समझ लीजिए आप, इस फीड में नॉर्मली तरीके से जो भी आपके बीमारी होती है फार्म में, और जो फार्म में बीमारी आने के बाद जो मोर्टलिटी का संख्या रहता है उस मोर्टलिटी का संख्या को बहुत ज़्यादा कम करता है। और इसमें जो है मेस फीड में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है, इसमें फीड इंगेज करता जो भी खाता है उसमें कंपनी वाले फीड में 30 दिन में हो जाएगा, ये आपको 35 दिन में होगा। तो चलिए इस वीडियो के डिटेल में जाते हैं। तो ये जो है 30 दिन का बच्चा है और ये साइज 1 किलो 700 का है। और गर्मी में जो है आप फीड देना बंद कर दीजिएगा दिन के समय 10 से 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आप फीड लगा सकते हैं। हमने जो मेस फीड बनाया उसी को हम इस पर चलाए हैं, जिस प्रकार से आपको स्टार्टर बताए हैं उसी प्रकार से स्टार्टर हमने इसमें चला रखा है, और उसी से इसका बॉडी वेट उतना है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अपने घर पे ही, और इसमें ज़्यादा कुछ लागत आने वाला नहीं है। मार्केट से बहुत ही कम रेट में लगभग 200-300 रुपये का अंतर रहता है पर बैग का। हमारा तो ये लगभग 1800 रुपये बैग तैयार होता है। तो आप भी कर सकते हैं, 50 kg का कीमत होगी 1800 रुपये। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर इसी मुद्दे पे फीड के बारे में, क्योंकि फीड में हम ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं डिटेल में, क्योंकि मेडिसिन के बारे में भी आपको जानना है। तो वीडियो लंबा होने के कारण इसलिए हम शॉर्ट में ही आपको बताएं कि क्या क्या मेडिसिन और क्या इसमें फीड में मिलता है सो ही दिखाया हम। बॉडी वेट आपके सामने है, वर्ड आपके सामने में है। अभी गर्मी का समय है तो CRD का संभावना सबसे ज़्यादा था, सभी फार्म में अभी है, जैसे कि मेरे फार्म में भी है सर्दी का। तो सर्दी का भी मेडिसिन आप चला सकते हैं, विक्स आता है उसका छोटा सा, उसका कुछ नाम है, नाम हम आपको मेंशन कर देंगे इस वीडियो में, आप उसको चलाइएगा। मोर्टलिटी का अगर आपका 30% है, 30 पीस है, तो आपको वहाँ पे 5 पीस होगा, क्योंकि मेस फीड का यही फ़ायदा है, कच्चा फीड है, पका हुआ फीड नहीं है। तो ये चीज़ आप गेसिंग कीजिएगा अपने फार्म में और इसको चलाइए एक बार, और ज़रूर से ज़रूर आप एक तरह बेहतरीन फार्मर बन सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ था स्काइलर से। उसके बाद हम अपने पे खुद पे सतर्क हो गए, क्योंकि आगे अब भरोसा करने लायक नहीं है जो कंपनी सब इतने बड़े बड़े वादे करके फ्रॉड करते हैं। तो ये चीज़ आप भी आपके साथ ना हो जो कि मेरे साथ हुआ है, इसलिए हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का फीड और अपने से ही स्वयं से ही बनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें रिजल्ट आपके आँख के सामने कोई भी मोर्टलिटी नहीं है इसका। जो टेम्परेचर है अभी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर जो बर्ड में है वो आपको बर्ड के ऊपर ही बुझा जाएगा क्या टेम्परेचर है। बर्ड अगर आप कीना हुआ फीड खिलाते हैं कंपनी का, तो देखिए इसका 2 गुना हाँपते हुए बर्ड रहता है। और ये इसमें कुछ करने का जो होते हैं नॉर्मली तरीके से, जैसे आप फार्मिंग करते उसी प्रकार से कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा। और वीडियो तो ये पहला नंबर, इसमें मक्का चाहिए। मक्का जो है हमने इसका दर्रा बना चुके हैं, और ये जो है आपको अपने अनुसार करवाना है। अभी ये हम स्टार्टर बना रहे हैं तो स्टार्टर का ही हम इसमें मिक्सिंग करवाए हुए हैं। क्वालिटी में इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ आप नहीं कीजिएगा। कंप्रोमाइज़ अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है पोल्ट्री में, क्योंकि
फीड में जो है आपको कोई कंप्रोमाइज करने की शंका ना करे। इसमें जो है पहला नंबर मक्का पड़ेगा, तो पहले हम मक्का आपको दिखा दें कि मक्का किस प्रकार से आपको लेना है। अब जो है हम इसमें सोया मिलाएंगे। सोया आप किसी भी कंपनी का मिला सकते हैं। तो ये जो है सोया है, और आप सोया को कैसे इसमें मिक्स करना है वो नॉर्मली तरीके से आप मिक्स कीजिएगा। और सोया का क्वालिटी ये वो सोया क्वालिटी ये मिलेगा। आप इसको मिक्स भी करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्टर में मिक्स करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टार्ट पीढ़ी में आपको सोया को जो है पिसवाना पड़ेगा। और सोया पिसाने के बाद जो है और महंगा हो जाता है। तो हमने जो है इसमें सोनालिका का दिया हुआ है, सोनाली का ब्रांड का हमने सोया दिया। इसमें बहुत कंपनी आते हैं, गोयल आते हैं, सब आते हैं। तो इसमें लेयर में भी चलता है फिर ये सोया, और पोल्ट्री में भी चलता है। अब इसमें जो है एक कितना कितना केजी हमें मक्का मिक्स करना है, कितना सोया मिक्स करना है, वायल भी मिक्स करना है। तो वायल जो है आप कौन सा मिक्स कर सकते हैं? वायल में जो है आप कोई भी वायल, जैसे राइस वायल मिक्स करना है, लेकिन राइस वायल में जो है मिक्स आता है, इसलिए हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं, फॉर्चून हो गया, गोकुल हो गया, ये सब जो है, जैसे मेरे पास मैंने गोकुल का लिया हुआ है, तो ये जो है गोकुल का है, और ये आपको 1 लीटर का पैकेजिंग में आता है। इसका कीमत आपको 88 रुपये पर लीटर पड़ेगा। अगर मार्केट से आप एक बार में उठाते हैं, यानी थौक से उठाते हैं, तब 88 रुपये पड़ता है पर लीटर। आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं लोकल में, और आप फीड में भी चला सकते हैं। तो इसको कितना लीटर देना है सारा चीज़। और अभी तो हम फिलहाल इस बच्चे में हम खिला रहे हैं, तो इसका प्री स्टार्टर हमने बना रखा है और इसमें लगा भी रखा है। तो इसमें जो है आपको जो है इसका पीढ़ी बना के रखा हुआ, जो बर्ड में हमने चलाया भी है, और इसमें जो है मक्का, वायल और मेडिसिन, नमक, ये सब, हल्दी, ये सब वगैरह मिलाया हुआ है। और इसमें आपको कैसा खिलाने में, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खिलाने में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 1.5 का FCR है। तो अभी आपको हम बर्ड को दिखाते हैं, बर्ड का क्या कंडीशन है। तो ये बर्ड है, ये बर्ड लगभग 5 दिन का हुआ है, और हमने इसमें पीढ़ी स्टार्टर चला रखा है इसी का। तो इसी का प्री स्टार्टर हमने चला रखा है सारे में, और कंडीशन आप देख लीजिए। ऑटोमेटिक सिस्टम भी हमने लगा दिया है इसमें। और ये तो हो गया दूसरा वाले फार्म। पहले वाले फार्म में लगभग 1 मंथ से हम फीड इसका चला रहा है, उसका लगभग 1 किलो 700 का एवरेजन है, और उसका इंगेज फीड भी कितना खाया वो भी हम कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। तो अभी फटाफट पहले फीड बना लेते हैं, फीड में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है और कौन कौन सा फीड इसमें हम चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो। मेडिसिन है जो इसमें 33 किस्म का मेडिसिन मिक्स हमने किया हुआ है, और कितने कितने ग्राम करना वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले तो हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें बढ़िया से इसको मिक्स कर देना है ताकि मेडिसिन सारा मिल जाए, और इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो वीडियो एक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहें। जो है स्टार्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तैयार, और इसको जो भी हमने मिक्स किया है इसमें सारा डिटेल हम आपको बताए हैं इस वीडियो में। और उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका भी 1.5 का FCR आएगा। सिर्फ हम मेडिसिन के बारे में नहीं बताए हैं, जो मेडिसिन हमने मिक्स किया है इसमें। तो लगा मैं कमेंट बॉक्स में जो बताया। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।